दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर जीत हासिल की। टी20 विश्व कप 2024 के सुपर 8 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने गजब का प्रदर्शन किया, जिसमें इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में हार गई। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीत सकती थी, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में उसका पूरा खेल बिगड़ गया। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्को जानेसन, कसीगो रवांडा और नारकिया अहम साबित हुए। नारकियों ने आखिरी ओवर में महज 6 रन दिए थे, इस ओवर में 1 विकेट भी लिया। इंग्लैंड ने 17 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान के साथ 139 रन बना लिए थे। हैरी ब्रूक 47 रन और लियाम लिविंगस्टोन 33 रन बनाकर खेल रहे थे। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की ओर से 18वां ओवर कसीगो रवांडा लेकर आए। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर लिविंगस्टोन को आउट कर दिया। रवांडा ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। यहां से इंग्लैंड की मुश्किल बढ़ना शुरू हो गई। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के लिए 19वां ओवर जानेसन ने किया और उन्होंने पहली गेंद डॉट निकाली। इसके बाद डबल और 3 सिंगल दिए। उन्होंने आखिरी गेंद पर डबल दिया। इस तरह इंग्लैंड ने इस ओवर में 7 रन बनाए। उसने 19 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान के साथ 150 रन बना लिए। ब्रूक 53 रन और सैम करन 5 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद नारकिया ने आखिरी ओवर में कमाल कर दिया। उन्होंने महज 6 रन दिए। इस तरह इंग्लैंड को 7 रनों से हार का सामना करना पड़ा। अंत में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए थे। ओपनर विंटन डी कॉक ने 65 रनों की पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। डेविड मिलर ने 43 रनों की अहम पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान के साथ 156 रन ही बना सकी। इसके लिए हैरी ब्रूक ने 37 गेंदों में 53 रन बनाए। लिविंगस्टोन ने 33 रनों की पारी खेली।